हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राजीव। आज हम देखेंगे कैसे अगर एयरटेल में आपका वैलिडिटी मतलब वो बढ़ना है तो उसको कैसे बढ़ाना। ठीक है, देखिए एक्चुअली हुआ था क्या, एयरटेल में सब नंबर को क्या किया उसने, जो उसका वैलिडिटी है तो 23 नवंबर कर दिया। मेरा और दो नंबर था उसमें भी सेम प्रॉब्लम हुआ। उसके बाद मैंने क्या किया, और देखिए 23 नवंबर उसका वैलिडिटी है, और अगर मैं 23 से वैलिडिटी आज 24 है, ठीक है, और वैलिडिटी मतलब 8 तारीख तक अगर नहीं रिचार्ज किया तो ये सिम बंद हो जाएगा। ठीक है, आज का डेट देखिए 24 है। ठीक है, तो उसको उसके लिए मैंने कस्टमर केयर को फ़ोन किया। उसने क्या बोला, अगर आपको 35 के आप कुछ रिचार्ज करना है, ठीक है, उसके बाद आपको 28 एक वैलिड मिलेगा उसका, और रिचार्ज करना है उसका जो रिकॉर्डिंग है मैं आपको साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो मेरा तो एक फ़ोन में मैंने रिचार्ज कर लिया, रिचार्ज करके उसका 35 रिचार्ज नहीं किया, उसका एक प्रोसेस है उसको फॉलो कीजिए, तो आपका 35 रिचार्ज नहीं करना होगा। ठीक है, आप मतलब कम रिचार्ज करके आप 2 साल के लिए आप वैलिडिटी बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो देखिए मैं अभी ये जो नंबर है इसको रिचार्ज करके दिखाता हूँ। ठीक है, बैलेंस एंड रिचार्ज, तो मैं इसको रिचार्ज कर देता हूँ। इसके लिए ब्राउज प्लान, ठीक है, आपको क्या करना है, देखिए कस्टमर के जब फ़ोन किया मैंने तो वो बोल रहे था 35 के ऊपर रिचार्ज करना है, 34 रिचार्ज करने से भी नहीं होगा। ठीक है, तो अभी उसको क्या करना है, मैंने एक नंबर पे किया, टॉक टाइम पे जाइए, उसके बाद टॉक टाइम 7 10 रुपीज़ का वैलिडिटी क्या है अनलिमिटेड, उसको सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आप रिचार्ज कीजिए, और आज देखेंगे रिचार्ज करने के बाद होता कि नहीं। तो मैंने नंबर सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद मेरा कार्ड को जो CVV कोड है उसको भी दे देता हूँ। ठीक है, उसको देने के बाद प्रोसेस में क्लिक किया, प्रोसेसिंग हो रहा है। तो देखिए एयरटेल मोबाइल नंबर नॉट हैज़ बीन कम्प्लीट टाइम आउट। ठीक है, मैं दोबारा कोशिश करता हूँ, क्योंकि उस टाइम पे भी नहीं हुआ था पहले बार। ठीक है, तो सिलेक्ट करने बाद, ठीक है, देखिए प्रोसेसिंग मतलब उसका गेटवे में हिट कर गया। अभी ये देखते हैं थोड़ा टाइम बाद उसका वैलिडिटी क्या 28 डेज का होगा क्या 2 साल के लिए होगा। मेरा और एक नंबर था, मैं 1 साल के लिए प्रोसेसिंग हो रहा है, देखते। तो मेरा जो नंबर है उसमें OTP भी आ गया, अभी देखते थोड़ा टाइम के बाद क्या होता। देखिए कार्ड नंबर आ गया इधर, ठीक है, थोड़ा सा स्लो है। देखिए OTP का ऑप्शन आ गया, इसमें मैं जो OTP आया मेरा उसको फिल कर देता हूँ, 4434, उसके बाद सबमिट। देखिए आ गया, तो रिचार्ज कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाद मिनिमाइज़ करके मैं वैलिडिटी एक बार चेक कर लेता हूँ। 1 2 3 हैज, तो देखिए इधर कस्टमर केयर में क्या बोल रहा था, 35 रिचार्ज करने के बाद आपका 28 डेज अप होगा। ठीक है, मैं इधर 10 रुपया का रिचार्ज करके 2 साल के लिए वैलिडिटी बढ़ा लिया। ठीक है, तो ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, अगर आपका कोई जान पहचान है वो भी 10 रुपये रिचार्ज करके 2 साल का वैलिडिटी बढ़ा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
यू फॉर वॉचिंग।